हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में काफी फेमस हो चुका है। इसे हिट वर्कआउट भी कहा जाता है। अधिकतर जिम में इसकी सुविधा शुरू हो गई है। इसे फैशनेबल वर्कआउट भी कहते हैं, लेकिन सच कहे तो ये काफी एनर्जेटिक होता है और इसे करने से काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है। इसमें एक निर्धारित समय में कुछ वर्कआउट करना होता है। बिना किसी इक्विपमेंट के भी इन वर्कआउट को किया जा सकता है। इन्हें करने के दौरान आपकी हार्ट रेट काफी हाई हो जाती है, जिससे कैलोरी बर्न होने के कारण आपका वजन काफी तेजी से कम हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस खास वर्कआउट्स के बारे में। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट क्या है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को हिट के नाम से जानते हैं। इसमें पूरी एनर्जी के साथ एक निश्चित समय में वर्कआउट किया जाता है और इसे बार बार दोहराया जाता है। साइंस भी मानता है कि हीट मेटाबॉलिक फंक्शन और कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस में काफी जल्दी सुधार कर सकता है। इस वर्कआउट के लिए अधिक समय की भी जरूरत नहीं होती है, मात्र 20 से 25 मिनट में यह वर्कआउट खत्म हो जाता है। इस वर्कआउट्स का सिद्धांत हार्ड ट्रेनिंग, अधिकतम कैपेसिटी, थोड़ा आराम और फिर से यही क्रम को दोहराना है। इसके प्लान को डिसाइड करने के लिए आपको कोच की जरूरत होती है, क्योंकि वही आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपका वर्कआउट प्लान तैयार कर सकता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट के लिए मशीन इक्विपमेंट। हीट वर्कआउट के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए कुछ मशीन्स भी होती है, लेकिन महंगी मशीन्स के अलावा इन इक्विपमेंट्स का अधिकतर प्रयोग होता है, जैसे ट्रेनिंग रोप, स्लैम बॉल, स्विस बॉल, केटल बेल, जंप रोप, डंबल, पुशअप हैंडल्स, एंकल रिस्ट वेट, स्पीड हर्डल्स, लकड़ी के बॉक्स। यदि किसी जिम का बजट अच्छा होता है तो वे इसके लिए अन्य मशीन भी प्रयोग करते हैं, जिनमें एलिप्टिकल ट्रेनर, स्किल मिल मशीन और रोलर व्हील आदि शामिल है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट के प्रकार। हीट वर्कआउट को काफी लोग अपने अपने मुताबिक डिजाइन करते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रकार भी हैं जो हर कोई करता है, जैसे बैटल रोप, टो टच, हाई नी, स्प्रिंट, पुश स्लैम या टायर, बट किक, जंप स्क्वाट, माउंटेन क्लाइंबर्स, जंपिंग लंजेस, प्लैंक जैक्स, रशियन ट्विस्ट, सिंगल लेग बर्पी आदि। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट करने के फायदे। हाई इंटेंसिटी के साथ करने के कारण मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। इससे काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है, इसीलिए फैट कम करने का काफी अच्छा तरीका है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये हार्ट के लिए भी काफी अच्छा वर्कआउट हो सकता है। इससे आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस समय के साथ काफी बढ़ जाता है। इसे करने के लिए अधिक इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वर्कआउट करने का ये काफी अच्छा तरीका है। इसे कहीं भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसके लिए जिम ही जाए। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट के दौरान होने वाली गलतियां। हीट वर्कआउट को करने में काफी एनर्जी लगती है और ये हार्ट पर काफी लोड डालती है। कई लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद भी इस वर्कआउट को करते हैं, जो कि गलत होता है। बिगिनर्स को हिट करने के पहले सभी चीजों को अच्छे से समझना काफी जरूरी होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को करता देख पहले दिन से ही हिट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वे पहले चीजों को ध्यान में रखते हुए समझे कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद इसे करना शुरू करें। हिट मसल्स पर और अधिक खिंचाव डालता है। यदि किसी को मसल्स में खिंचाव होता है तो वे उसे छोटा मोटा दर्द समझकर इग्नोर करता है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि इंजुरी होने पर इस वर्कआउट को ना करें। कई लोग इस वर्कआउट को रोजाना करते हैं, जो कि काफी गलत होता है। इसीलिए हफ्ते में इसे सिर्फ एक या दो बार करें। सबसे अहम चीज, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के इसे बिल्कुल न करें, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई जानकारी से आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट कैसे करना है। इसे करते समय यदि आपको मसल्स में खिंचाव या चोट लगती है तो आप तुरंत अपने ट्रेनर को बताएं, ताकि वो आपको सही सलाह दे पाए। तो दोस्तों, इस तरह की और फिटनेस से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।